राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग, बिकॉज कल है सावन। तो आप सभी को सावन के पहले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये वीडियो सावन से एक दिन पहले का है। तो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी और साथ साथ में एक चटपटी सी हल्की सी स्नैक रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो आप रिमझिम बारिश वाले मौसम में ज़रूर बनाकर खाइएगा। और कुछ और चीज़ें भी शेयर करूँगी जो मुझे कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं। तो फिलहाल चलिए ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं, और जो भी चैनल पर पहली बार आता है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के ब्लॉग अपने चैनल पर अपनी डेली लाइफस्टाइल, डेली रूटीन और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए, और पिछले कुछ दिन से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरी ग्रीन टी को लेके कि आप जो ग्रीन टी पीते हो प्लीज़ उसका नाम हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, मैं पीती हूँ ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का एफ्रेश ग्रीन टी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और मार्केट में जितनी भी ग्रीन टी आती है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज मैंने जो लिप्टन वाली ग्रीन टी आती है उसका भी रिज़ल्ट देखा है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेस्ट है मेरे लिए। तो बेबी होने के बाद जो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उससे मैंने इस एफ्रेश को पी के काफ़ी हद तक अपने वेट को मेंटेन कर लिया है, और कुछ एक्सरसाइजेस करके। तो आप इसे डेली रूटीन में ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको किसी को भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, तो आप उस आईडी से भी इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ, ये इसका कलर है और बिल्कुल ब्राउन सा है ज़्यादा, लेकिन पीने में इतनी ज़्यादा अच्छी है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, कोई कड़वाहट इसके अंदर नहीं होती है। और जैसे आपको टी बैग वाली जो ग्रीन टी लगती है ना, उसके जैसी ये बिल्कुल भी नहीं होती है। और मैं इसे काम करने से पहले ज़रूर एक बार ले लेती हूँ, इससे मेरा पूरा दिन एनर्जी भरा रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ नाश्ते की रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ, और हल्की चटपटी सी, बहुत ही मज़ेदार सी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। कुछ सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है यहाँ पर, ऑनियन है, टमाटर है और एक कैप्सिकम मेरे पास रखी हुई थी, और थोड़ा सा ग्रीन चिली, लहसुन। और आप चाहे तो लहसुन और ग्रीन चिली को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे सोया बड़ी जो मैंने भिगा के रखा हुआ था उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी हल्का सा ऑयल डाल के, और आप इसे बटर में करेंगे तो ये और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी खाने में। तो मैं सरसों ऑयल में बना रही हूँ, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके और लहसुन प्याज को हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत थोड़ा सा। अभी जैसा कि मौसम चल रहा है बारिश वाला, इस टाइम पे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है और टेस्टी बहुत होती है, साथ साथ में प्रोटीन से भरपूर है। और मैंने यहाँ कैप्सिकम को थोड़ा सा डाल दिया है टमाटर, बिकॉज हस्बैंड को टमाटर रेसिपी में बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो मैं ज़्यादातर टमाटर कच्चा ही खाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी दाल में मैं कम से कम टमाटर का यूज़ करती हूँ। और ग्रीन चिली को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो सारी सब्जियों को बस थोड़ा सा सोटे फ्राई करना है, उसके बाद ही मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। मसाले में डाला है मैंने कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें काश्मीरी लाल मिर्च, उसका सबसे बड़ा रोल रहता है। और आप चाहो तो यहाँ पे इस स्टेज पे इसमें अरारोट भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पानी में घोल के और उसमें कलर, फूड कलर डाल के। तो मैंने यहाँ अरारोट को स्किप कर दिया है, बिकॉज मेरे हस्बैंड को अरारोट वाला जो सूप है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है ग्रेवी में। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा केचप, और आप चाहें तो यहाँ पे सोया सॉस, विनेगर और टमाटो केचप, और ये जितनी भी सॉसेस हम चाउमीन में ऐड करते हैं वही सारी सॉसेस को इसमें ऐड कर देना है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सिर्फ केचप डाल दिया है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और मैगी मसाला तो ऑसम है इस रेसिपी में, और रेसिपी बनकर रेडी है बस थोड़ा सा कुक करके। तो ये सोयाबीन चिली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, तो आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। पटेटो की, पनीर की, तो बहुत तरह की रेसिपी बनती है, तो मैंने आज सोया से बना दी है और हस्बैंड को आज बहुत पसंद आई ये रेसिपी। तो बस थोड़ा थोड़ा हमने चाय पी ली है, और सुबह में अपना ग्रीन टी पीने के बाद मैं नाश्ता करके लग गई हूँ आज घर को क्लीन करने। और दिन भर के हर 20 मिनट, हर दिन के 20 मिनट अगर हम अपने घर की क्लीनिंग को देंगे तो हमारा घर ऑल टाइम सेट रहेगा, ऑल टाइम फिनिश क्लीन रहेगा।
तो ये चीज़ मैं हर टाइम जब भी मैं घर को क्लीन करती हूँ आप सबको टिप्स देती हूँ थोड़े थोड़े, कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा ऑल टाइम बिल्कुल सेट रख सकती हैं। मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, पूरा दिन मैं कभी भी नहीं देती काम को। देखिए यूट्यूब भी संभालती हूँ, बेबी को भी संभालती हूँ, और मेरा अभी कोई संभालने वाला और दूसरा है नहीं। बस हाँ, अभी ध्रुव बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा ये है कि वो चला जाता है खेलने के लिए नीचे, जो मेरे इन लॉज हैं वहाँ पे चला जाता है, नहीं तो ऑल टाइम वो मेरे पास ही रहता था। और मैं लगभग, मुझे 1.5 से भी ज़्यादा साल हो गया है यूट्यूब पर वर्क करते हुए, तो मैं तभी से बाबू को, बाबू बहुत छोटा था, 6-5 महीने का था, तब से मैं उसको अकेले ही संभाल रही हूँ, और यूट्यूब को भी, घर को भी, और घर की हर छोटी से छोटी चीज़ को। फिलहाल यहाँ शेयर कर रही हूँ आप सबसे, ये बेडशीट जो मैंने मंगाई है मीशो से, बहुत ही खूबसूरत हैं और ये मैंने परचेस की हैं बहुत कम रेट में, और इनका लिंक भी मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको मंगानी हो तो आप मंगा लेना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं ये। और आज मैंने इसको जो बेड है उस पर बिछा दिया है, बिकॉज हस्बैंड काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि कुछ नया सा मंगवा लो बेड के लिए, बेडशीट अच्छी सी मंगवा लो, और मुझे भी मंगवानी थी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रही थी, हस्बैंड का पेमेंट आने की देर थी तो इसीलिए। और घर में सब कुछ ठीक रहता है तो नई नई चीज़ें भी मंगवाना अच्छा लगता है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 बेडशीट अपने लिए परचेस की थी और ये मुझे काफ़ी अच्छे दाम में पड़ गई, बहुत ही खूबसूरत हैं और ख़ासकर कपड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर है इनका। और यहाँ टीवी चल रहा था तो मैं थोड़ा बहुत अपना टीवी भी लगा के रखती हूँ जब काम करती हूँ, तो ताकि मुझे बिल्कुल भी वोरनेस ना महसूस हो। और ध्रुव नहीं होता है तो ऑल टाइम मैं थोड़ा सा भजन या फिर कोई भी ऐसा गाना वगैरह चला के रख देती हूँ जो मुझे सुनना काफ़ी पसंद रहते हैं। मैं हिंदी गाने ज़्यादा सुनती हूँ और ओल्ड गाने मुझे बहुत पसंद हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अंदर का पूरा क्लीन कर दिया है और बेडशीट को, बेडरूम को अपने पूरा सेट कर दिया है। किचन मेरा ऑल टाइम ऑर्गेनाइज रहता है, मैं छोटे से किचन को अपने एकदम सेटअप रखती हूँ खाना बनाने के साथ ही, तो मुझे अलग से जब किचन की साफ़ सफाई करनी होती है तो प्रॉपर साफ़ सफाई करती हूँ, थोड़ी थोड़ी जो साफ़ सफाई होती है वो मैं डेली के करती रहती हूँ। फिलहाल ये जो सू रैक है और इसके पास का जो ये विंडो आप देख रहे हैं जाली वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है, तो उसको मैंने सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया है, और साथ साथ में सू रैक को भी, सू रैक भी काफ़ी ज़्यादा गंदा रहता है तो इसको तीसरे दिन चौथे दिन मैं क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद बाहर वाला जो कमरा है वहाँ का जो बेड है, तो ये बेडशीट मैंने अभी सुबह में ही बिछाई थी, धुली हुई है, तो बस इसको अच्छे से बिछा दूंगी, बिकॉज ध्रुव अभी यहीं से सोकर उठकर गया है, तो हस्बैंड भी उठ चुके हैं और वो अपना इधर उधर हैं, कैमरे की नज़र से बचे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैमरे की नज़र में ना आऊँ, पर मैं थोड़ा बहुत उनको कैचअप करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता है। और उसके बाद जी बालकनी तो मेरा अभी साफ़ ही है क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है 2 दिन से 3 दिन से, तो पानी यहाँ का समेटती रहती हूँ, तो बालकनी बिल्कुल चमचमा रही है, आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है और आजकल धूल भी नहीं है बालकनी पे, तो मुझे अंदर अंदर की क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और बाहर का जितना भी होता है वो तो सारा बारिश से धुल ही जा रहा है आजकल जब बारिश होती है तो, और जब बारिश नहीं होती है तब मैं बालकनी को सुबह शाम वॉश कर लेती हूँ, सुबह में नहीं हो पाता है तो शाम को कर लेती हूँ। और अब आती है वॉश बेसिन की बारी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा वॉश बेसिन, हम बाहर से जब भी आते हैं तो हम सीधा वॉश बेसिन पे भागते हैं, वॉशरूम से आते हैं तो सीधा वॉश बेसिन पे भागते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्लीन करने की। और मैं ना वॉश बेसिन पे ज़्यादातर ये हिट वगैरह जो होता है उसको भी डाल देती हूँ, जो जाली होती है जहाँ से पानी निकलता है, या फिर थोड़ा बहुत नमक भी डाल देती हूँ वहाँ पर, या फिर वहाँ पर जो गोलियाँ होती हैं फुनैन वाली गोलियाँ उसको भी डाल के रखती हूँ, लेकिन अब नहीं डालती हूँ जब से ध्रुव आया है, क्योंकि ध्रुव क्या करता है जब भी मैं उसका मुंह वगैरह धुलाती हूँ तो वो गोलियों को उठाने की कोशिश करता है। फिलहाल अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपना घर और मुझे इतनी क्लीनिंग में लगभग 20 से 30 मिनट ही लग जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी रहती है, थोड़ा सा मैंने डस्टिंग वगैरह भी की थी तो मुझे आधा घंटा तो लगभग लग ही जाता है इस काम में। नाश्ता करने के बाद और लंच करने से पहले का जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये वाली क्लीनिंग में। और ये रही मेरी छत वाली सीढ़ियाँ, आप सब ने देखा ही होगा, और होम टूर का वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी, वैसे मैंने एक बार
और किया है होम टूर आप सबके साथ, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, तो इसीलिए इतना बैग कोई भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं जल्दी ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगी होम टूर पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन गेट का सीढ़ियाँ थी जहाँ से हमारा मेन गेट है, वो भी आपको मेरे ब्लॉगों में, पिछले ब्लॉगों में देखने को मिलेगा। और अंदर का तो आपने सब देखा ही है, मेरा बेडरूम कितना ज़्यादा सुंदर है, छोटा सा है, और मेरा किचन ऑल टाइम सेटअप। और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ये ले लो, वो ले लो, रैक ले लो, बट मैं अभी भी कुछ भी परचेस नहीं कर सकती बिकॉज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और आप समझ सकते हैं इंसान की कोई मजबूरी रहती है तभी वो किसी चीज़ को परचेस नहीं कर पाता है, और मैं भी वैसी ही हूँ। और अगला टाइम देख के ही मैं थोड़े खर्च करती हूँ। अभी बारिश का मौसम हो गया है और हस्बैंड का काम भी अभी थोड़ा सा धीमा हो जाता है इस टाइम पे, तो इसीलिए मैं इस टाइम पे कोई भी ख़रीदारी ज़्यादा नहीं करती हूँ। बेडशीट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसीलिए मुझे मंगवानी पड़ी, और ये फरमाइश आ गई थी हस्बैंड की कि उनको आज ठंडाई पीनी है, तो यहाँ मैंने रू अफ़ज़ा और चीनी डाल के बिल्कुल चिल्ड दूध में और बना दिया है ये ठंडा ठंडा ठंडाई। और गर्मी के सीज़न की जान है ये ठंडाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है रू अफ़ज़ा डाल के। और हमारे नन्हे मेहमान भी आने ही वाले हैं, बस आने की देर है उनकी, थोड़ी सी इंतज़ार हो रहा है कि कब आएंगे, काफ़ी देर हो गई है। किचन मेरा ऑल टाइम सेट रहता है, आप सब ने देखा ही है। और इसी तरह से मैं 20.5 आवर्स में अपने घर को काफ़ी हद तक क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ हमारे नन्हे गोपाल आ गए हैं और आते के साथ ही उन्होंने अपना देखिए कारनामे करने शुरू कर दिए हैं, बिस्तर को तहस तहस कर दिया है फिर से। तो बच्चे रहते हैं तो ऐसा होता ही है। फिलहाल ये वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर, मिलूँगी आप सबसे कल एक और अच्छे से वीडियो में और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।